बाहर घूमते रहेंगे। तुमको शिक्षा का अधिकार ऐसे थोड़ी मिला है। यही बात मैंने बोला था और लोगों ने मेरे ऊपर केस ठोक दिया, न जाने क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा। आज हालात देख लो, आठवीं क्लास में बच्चों के दो रास्ते स्टार्ट होते हैं। ध्यान से समझना मेरे बेटे बेटियों, आठवीं क्लास में बच्चों के दो रास्ते स्टार्ट होते हैं। एक रास्ता शिक्षा की ओर मुड़ता है और एक रास्ता मौज मस्ती की ओर मुड़ता है। ध्यान देना, आठवीं क्लास की बच्चे ही बाल ऊंचा नीचा काटते हैं, अलग स्टाइल में फैशन बनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, नाखून रखते हैं, आठवीं क्लास से शुरू होता है। और जो बच्चे मौज मस्ती की ओर मुड़ गए उनका भविष्य खराब। फिर आगे जाकर के वो नरेगा में मिलेंगे, अहमदाबाद काम करने जाएंगे और रोडों पर भटकेंगे। और आजकल ये सड़कों पर जो घूम रहे ना रात को, ये कल परसों डिटेन किए आपका दौड़ा में, मौज मस्ती के चक्कर में, मौज शौक के चक्कर में, और ये पत्थरबाजी करेंगे। हमारे चौरासी में भी यहां जोधपुर ब्लॉक के अंदर पिछले साल 70 के आसपास बच्चे पकड़े थे पत्थरबाजी में। एक बच्ची बच्चा मर गया था। ये अनकंट्रोल्ड बच्चे, ये अनुशासनहीन बच्चे कैसे, वो आठवीं क्लास में उनका निर्माण होता है, उनका रास्ता चेंज होता है। जिस बच्चे को आठवीं क्लास में पढ़ाई की ओर मोड़ दिया जाता है वो बच्चा अपनी जिंदगी में सक्सेस होता है। और जो बच्चा आठवीं क्लास में मौज मस्ती की ओर मुड़ जाता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। और एक बात गंभीर, आठवीं क्लास में वो बच्चा मौज मस्ती की ओर मुड़ता है जिसको पाठ पढ़ना नहीं आता। जिस बच्चे को आठवीं क्लास में पाठ पढ़ना नहीं आता उसका जिम्मेदार माता पिता भी है और शिक्षक भी है, प्राइमरी एजुकेशन वाले शिक्षक। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन के शिक्षक भी जिम्मेदार है और माता पिता भी जिम्मेदार है, ये बात समझना होगा। और आजकल कई सारे बच्चों के मां बाप 10 रुपए बच्चों को पकड़ा देते हैं, खाना नहीं देते सुबह, और बच्चा स्कूल जाके क्या खाता है, पाउच पाउच कुरकुरे, और वो भी फूल होता है लेकिन उसके अंदर मसाला तो थोड़ा सा होता है, उसका कितना नुकसान है आप समझिए। ये मैं बोलूंगा लंबा हो जाएगा, बहुत नुकसान। तो मेरे कहने का मतलब यह है, एजुकेशन को लेकर के हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग किया, कितना बलिदान किया, उसकी इज्जत करिए। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं एजुकेशन के लिए, मेरा सारा आज की तारीख में और पिछले 2 साल से फोकस एजुकेशन पर ही ज्यादा। एक तो बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं और दूसरा हमारे बच्चे हैं स्कूल के टाइम में इधर उधर भाग जाते हैं, ये आपने देखा होगा। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये आप सब जानते हो। और कई स्कूलों में तो दूसरे दिन बोतलें भी मिलती है वरंडे के अंदर ग्राउंड में, ऐसा भी होता है। और मौज शौक के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसका ख्याल रखिए। और एक गंभीर बात जो मैं आपके बीच में कहना ही चाहता हूं और कहना जरूरी भी है, वो ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी है, हम लोगों ने पहले से कह रखा है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने गांव की सीनियर स्कूल की विजिट करें और विजिट करने के बाद वहां जाकर के क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो उस पर बात करने के बजाय आपको क्या समस्या आ रही है उस पर बात करो। शिक्षकों को संभल दीजिए, शिक्षक डरा हुआ आज की तारीख में, वो कुछ बोले तो बच्चा स्कूल नहीं आए ऐसी नौबत आ रही है आजकल, पहले ऐसा नहीं होता था। अब बच्चे को थोड़ा सा दबाने के लिए या कुछ गलत कर रहा है कुछ कह देते तो 15 दिन स्कूल नहीं आएगा, ये एक बड़ा समस्या पैदा हुआ है, ये कोई कह नहीं पाता है, ये कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए।
ये बड़ी समस्या आ रही है। तो जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि स्कूल में जाए और शिक्षकों से बात करें कि क्या समस्या आ रही है, कौन कौन बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, और उनके माता पिता से संपर्क करें। क्यों? क्योंकि आपने समाज का नमक खाया है 30 से 35 साल। ये बात भी मैंने पहले बोला था, बुरा लग गया था। और जो जनप्रतिनिधि हैं, आजकल जनप्रतिनिधियों को नई बीमारी लग गई है, हमारे वालों में भी घुसती जा रही है कि मैं कुछ गलत बोलूंगा तो लोग मेरे को वोट नहीं देंगे। हंसी बात है, कौन कौन समझ करो करो। अरे वाह बढ़िया, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधियों की हमें आवश्यकता है क्या? नहीं है, है? खेतर ते हमें ओड़ा का खोटा बाटा हमें कापन मौज मस्ती तमें करो, है? ऐसा ही है, ऐसा चीज नहीं होगा। आपका दायित्व है, आप अपने इलाके के अंदर अपने गांवों में जो जो बच्चे रात को रोड के आसपास इधर उधर रहते हैं उनको पकड़िए, उनके माता पिता से बच्चों से बात करिए, और नहीं मानते तो उनको पुलिस में पकड़वाइए, ताकि पूरे समाज का नाम बर्बाद हो, समाज की बदनामी ना हो। हमने बहुत मेहनत किया, त्याग किया, तपस्या किया, तब तक यह समाज इकट्ठा हुआ है, और दूसरे लोगों को कहने का अवसर ना मिले। आज तक जितने भी ये बाइक राइडर हैं, ये जितने भी बच्चे आपका बर्थडे पार्टी में दारू पार्टी करते हैं और जो पत्थरबाजी करते हैं, एक भी बच्चा आदिवासी परिवार से जुड़ा हुआ नहीं मिला। या तो वो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कराते हैं, या फिर बच्चों को दारू पिला करके कई लोग व्यवस्था भी करना चाहते हैं समाज की। इसके लिए जनप्रतिनिधि और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ड्यूटी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है कि गांवों में ग्राम एकीकरण समिति बन रही है, उसमें सहयोग करें। ग्राम एकीकरण समिति के माध्यम से आने वाले समय में गांव में कौन बच्चा स्कूल से बाहर रहता है स्कूल टाइम से, उसको डिटेन किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसके माँ बाप को भी पूछा जाएगा, और नहीं मानेंगे तो उनके लिए प्रबंध कानून के तहत किया जाएगा। यह हम लोग करने वाले हैं। अभी हर एक गांव में कमेटी बन रही है, एक एक गांव में 40, 50, 100 लोगों की कमेटी बन रही है। समाज को सुधारने के लिए गलत भी करना पड़े, बुरा भी बोलना पड़े, और ठुकम ठुका करना पड़े तो भी करना पड़ेगा, तब जाकर के लोग सुधरेंगे। ये जोत्री में हमारे उदयलाल जी रोज साहब थे, वो कहा करते थे कि वो तो एक काम रह जो है, एक हाथ नो जोड़ो बढ़ावो सामड़ा नो, एक हाथ नो जोड़ो, तो एक हाथ नो जोड़ो तो पैरों का काम आवे नहीं, समझ में आवी क्यों नहीं, तब जाकर के लोग तो ठीक होंगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है, समाज को परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन का मतलब एजुकेशन की ओर मोड़ना, लोकतंत्र की ओर मोड़ना, कानून संवैधानिक अधिकारों की ओर मोड़ना, यह काम करने के लिए कुछ एक लोगों को यह कभी अधिकार नहीं दिया जा सकता कि समाज को नुकसान किया जाए, समाज यह जुड़ रहा है उसमें व्यवधान पैदा किया जाए। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। और चिट्ठी भी आ गई थी, क्योंकि टाइम का बहुत सारा हमारे बीच में अभाव है, तो आप लोगों ने मेरी बात को सुना। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे शिवराम जी का भी आज मूर्ति का अनावरण हो गया, आपका नाना भाई खाट का भी हो गया, सेंगा भाई का, काली भाई का भी हो गया, और हमारे संत गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज, और हमारे सुराता में देखे हमारे कुरिया महाराज, उनका भी बहुत बड़ा समाज में योगदान है। इस तरीके से और भी बहुत सारे संत हो सकते हैं, उनका भी मूर्तियां हमें लगवाना ही है। और टंट्या भील और राणा पूजा भील, इतनी मूर्तियां तो यहां गेंजी में लगनी ही चाहिए, रामापथु की भी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? तो तीन तो हमारे संत हो गए, और आपका रामापथु हो गए, हमारे टंट्या भील हो गए, और हमारा राणा पूजा भील हो गए, इतने तो लगने ही चाहिए।
तो हमें इसके लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए और आने वाले साल तक हम एक मूर्ति तो हम जो लगा दें, ठीक है। तो यह हमारा जो ग्राउंड है उसका नाम भी हम लोगों ने पिछले साल घोषित किया था, ये टंट्या भील खेल मैदान के नाम से जाना जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अभी लेटेस्ट एक कार्यक्रम आ रहा है 15 तारीख को, क्या कार्यक्रम है, ज्ञापन देना, उसमें सबको जाना है 15 तारीख को। और 17 तारीख को क्या है, मानगढ़ रैली, उसमें बिल्कुल अनुशासित, ये इधर उधर करने वाले बाइक राइडर ने ऐसे जो दारूड़ी है ऐसे लोगों को लानी है। और कई हमारे मीटिंगों में भी दारू पी के आ जाते हैं, आपकी बार मुझे लेके आने कोई तो इसका इलाज मैं कर दूंगा। पिछले साल मैंने वो कंबोया गोविंद गुरु के समाधि पर किया था, ऐसा कर दूंगा आपकी बार में, ठोकूंगा ही छोड़ूंगा नहीं, कोई पी करके मीटिंग में आ गया ये बात ध्यान देनी है। और इसके बाद 17 तारीख का हो गया ना, और 21 को हमारे राष्ट्रीय काउंसिल की मीटिंग भी है, इन बातों को याद ना। और भाई हमारे उमेश जी ने बताया कि वृक्षारोपण आ रोड है अपने सिमलवाड़ा तक की ठेठ चिकली तक डूंगरपुर से, और ये सागवाड़ा वाला रोड, आसपुर वाला रोड, जितने भी रोड हैं उन रोडों के किनारे हमें पेड़ पौधे लगाने, और कहां लगाने, जहां किसी की दुकान हो, जहां किसी का घर हो, वहीं पर पेड़ लगाना है ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, उसको पानी पिला सके। एक दूसरा बात है, बेड़ेश्वर में कौन सा तारीख था, 4 तारीख को आपने है था मरवा बात में बिनीसर जाबू से है, ते वाहे लोग अपने भी आवे ही ने सारे बे ही अणा बल्ले एक रुकड़ो रोपो से। अभी सुन रहे हो इनमें से कौन कौन बेड़ेश्वर 4 तारीख को आओगे बताओ, सभी लोगों को पेड़ पौधा रोपना है पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, जो भी बात गलत लगे यही छोड़ के जाना, लेकिन जो कड़वी बातें हैं समाज के लिए जरूरी है उनका पालन आप करेंगे, ऐसी आशा अपेक्षा के साथ। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश।